ओम शांति। आज 7 सितंबर 2023 और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सारे भारत भर में तो क्या लेकिन विश्व में भी कई आत्माएं बड़े धूमधाम से मनाती है। श्री कृष्ण में ऐसी क्या आकर्षण है जो हर कोई इतना प्यार से मनाते हैं? उतना प्यार से और किसी की जयंती नहीं मनाई जाती है। श्री कृष्ण नाम ही स्पष्ट करता है, कृष्ण अर्थात आकृष्ट करने वाला, जो हरेक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए उसको मोहिनी मूरत या मोहन भी कहा जाता है, जो सबको मोहने वाला है। हरेक को यही अंदर में एक अभिलाषा रहती है, श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा प्रियतम मिले या प्रेमी मिले या पति मिले। और इसीलिए आज भी हर कोई अपने मन के अंदर वही मोहिनी मूरत को बसाए हुए है, उसकी महिमा खूब करते हैं। कई लोग जागरण, व्रत, उपवास भी करते हैं ताकि बहुत सुंदर ऐसा बच्चा या ऐसा भाई या पति मिले, या दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सखा स्वरूप भी श्री कृष्ण का ही दिखाया गया है, चाहे वो सुदामा के साथ हो या पांडवों के साथ हो यानी अर्जुन के साथ हो, या जैसे द्रौपदी ने भी उसको हमेशा सखा रूप में देखा। तो सबके साथ वफादारी से संबंध निभाया। इसीलिए श्री कृष्ण की इतनी महिमा है। एक महिमा जो बहुत सुंदर उसका पूरा जीवन का व्यक्तित्व वर्णन करता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। भावार्थ यही कि बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, बचपन में ही अनेक ऐसे लीलाएं उसने की जिसके कारण ही सभी भाई बहनें उसकी और सहज मंत्र मुक्त हो जाते थे। बचपन में ही चाहे कई असुरों का खात्मा भी किया। तो सबसे सुंदर लीला अगर जो देखी गई है मटकी फोड़ने की, वास्तव में ये मटकी फोड़ कौन सी है? मटकी है ये देह, और देह अभिमान रूपी मटकी को जो फोड़ता है वही वास्तविक मक्खन को अपने जीवन में अनुभव करता। देह अभिमान की मटकी जब तक नहीं तोड़ी तो मक्खन का स्वाद जीवन के अंदर नहीं आ सकता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो कहा जाए गोविंद यानी ग्वाल बाल बना, गायों की रक्षा की, गौ माता की संभाल की। और कितना सुंदर तरीके से ये भी बताया है कि गौ माता की रक्षा अपनी मुरली बजाते हुए किया। तभी तो कहा जाता है मुरली तेरी में है ऐसा जादू जो हर कोई को अपना बना देता है। भावार्थ यही गौ माता यानी आज संसार के अंदर माताओं बहनों की रक्षा करने की आवश्यकता है। और वो कैसे रक्षा करते हैं परमात्मा, तो दिखाया मुरली सुनाते हुए। मुरली माना मधुर स्वर, और सबसे मधुर स्वर कौन सा है? ओम का। उस ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित कर देते, अर्थात हर एक को आत्म स्वरूप में आत्मभावस्थ कर देता। ऐसा मधुर स्वर जब परमात्मा सुनाते हैं तो माताओं बहनों की तो क्या, लेकिन हर आत्मा की सुरक्षा हो जाती है। उसके साथ ही फिर हरे मुरारी बना, भावार्थी कि बहुत सुंदर महारास किया। और ये महारास कौन सा है? तो इसी समय में हर आत्मा के साथ संस्कार मिलन का रास। संस्कार मिलन का रास यानी कैसी भी आत्मा संस्कार वाली क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी अपने संस्कारों को मिलाने की रास ये श्री कृष्ण ने किया। जैसे ही सबके संस्कार मिलन की रास हो गई तो फिर वो सतयुग के अंदर उन आत्माओं को भी अपने साथ गोप गोपियां के रूप में साथ में रास करते हैं, डांस करते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि कोई भी डांस ताल पर होता है, लय पर होता है, तभी वो सुंदर लगता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी हमें सर्व के साथ कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा क्यों ना हो, लेकिन श्री कृष्ण ने वही हम सभी को प्रेरणा दी है कि हमें अपने संस्कारों को सहजता से सर्व के साथ मिला करके चलना है, और तभी हम सतयुग की सृष्टि में जाने के योग्य बन जाते हैं, वैकुंठ धाम में जाने के योग्य बन जाते हैं। और फिर जब राज गद्दी पर बैठा तब वो नाथ नारायण कहलाया। अर्थात जैसे दुनिया के अंदर सुनाया जाता है सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की जो विधि है, नर से नारायण बनने की जो कथा है, वो इसी समय परमात्मा आकर के सुनाते हैं। और वो सत्य कथा सुन करके साधारण नर से नारायण बन जाते हैं, उस राजगद्दी पर बैठ करके वैकुंठ का राज्य चलाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण की ये जो महिमा है वो वास्तव में उसके चरित्र कलियुग के अंत में जब किए गए तब जाकर के सतयुग में वो सहजता से राज्य करते हैं। बाकी जहां सतयुग में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो वहां असुरों को मारने की तो बात ही नहीं है। असुरी वृत्तियां कलियुग के अंत में है, और उन आसुरी वृत्तियों को खत्म करके वैकुंठ की दुनिया में ले चलने के लिए लायक बनाया। तो इसीलिए परमात्मा ने श्री कृष्ण को इतना आकृष्ट बनाया, आकर्षण वाली मूर्त के रूप में तैयार किया, जो वो परमात्मा के गीता ज्ञान से श्री कृष्ण भी इस संसार के अंदर पहला राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। वास्तव में कोई कंस की जेल की बात नहीं है, लेकिन कलियुग के अंतिम समय में जब हर आत्मा बंधन का अनुभव करती है, ऐसे समय पर ही वो जन्म लेते हैं। लेकिन उसके बाद संसार का महान परिवर्तन हो जाता और वो श्री कृष्ण सतयुगी सृष्टि का अर्थात इस पार से उस पार यमुना नदी जैसे क्रॉस करने की बात है, तो यमुना नदी क्रॉस करना माना इस पार से उस पार। जहां एक तरफ विकारी सृष्टि थी, ये परिवर्तन के समय की बात है और इस महान परिवर्तन से ही सृष्टि में जैसे उफान आता है, यमुना उफान पर चढ़ गई, अनेक प्रकार के प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में आते हैं और हलचल के बाद सहजता से इस पार से उस पार वो चला जाता है। अर्थात कलियुगी सृष्टि के अंत में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद वैकुंठ की सृष्टि में हर आत्मा उसके साथ जाती है, जिन्होंने भी अपने जीवन को ऐसा योग्य बनाया। तो गीता ज्ञान से जो अपने जीवन को ऐसा योग्य बनाते हैं, तो कहा अधर्म का नाश और सत धर्म की, सनातन धर्म की या श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया की स्थापना हुई, जहां श्री कृष्ण के साथ हम सभी आत्माएं गोप गोपी बनकर के रास भी करेंगे और उस दैवी सृष्टि का आनंद भी लेंगे। तो इस अनोखी रीति से जन्माष्टमी को मनाएं, अर्थात अपने जीवन के लिए एक श्रेष्ठ दिशा निर्धारित करें, ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें ताकि हम भी अपने जीवन को श्री कृष्ण समान बना सके और हर संबंध को निभाते हुए सहजता से ऐसा सुंदर स्वरूप बनाए उस संबंध में भी, जो हर कोई उसके और आकर्षित हो, चाहे वो बच्चे का स्वरूप हो, चाहे वो सखा का स्वरूप हो, चाहे वो प्रियतम का स्वरूप हो, लेकिन हर संबंध को बहुत स्नेहपूर्ण, वफादारी से, निस्वार्थ भाव से, पवित्रता को लिए हुए उसको निभाना है। तो शुभ संकल्प के साथ हम इस जन्माष्टमी को अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा दें। ऐसी जन्माष्टमी सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आपका जीवन भी श्री कृष्ण जैसा बने, यही शुभकामनाएं हम आज के दिन आप सबके लिए करते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। आज की मुरली है ही विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंधित। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। ये ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूं, याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने सिक्की लधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधेरा। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा, अज्ञान अंधेरा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, अच्छा वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं, तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद का तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहे ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको बूंद देता। बूंद माना एक एक पॉइंट बाबा स्पष्ट करके हमें समझाते हैं। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे याद करो, समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं, घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। ये शिव बाबा की कमाल है। एक बूंद मिलने से तुम यहां से चले जाते हो वैकुंठ धाम सूक्ष्म वतन, यहां बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है, वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंस पूरी थी, फिर आवाज हुआ एक कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर है, कंस जरासंधि अकासुर बकासुर पाप आत्माएं सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। श्री कृष्ण जयंती पहले आती है, फिर गीता जयंती बाद में आती है। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय यहां तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई है, कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है, कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग सिखला न सके, स्वर्ग में आवश्यकता ही नहीं क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं है, वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वह हुई हद की बात और यह है बेहद की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूं, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है। सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन वो वहां श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात वहां ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजरा हजूर है। तो इस पर ही समझाना है। तुम्हारी ये शिव जयंती व शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है। यह भी समझाना होता है वह गर्भ में तो आते नहीं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की। तो प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, कृष्ण को कहेंगे प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। फिर वह प्रिंस से किंग हुआ। कृष्ण अक्षर नहीं, वहां नाम महाराजा गाया जाता है। वहां प्रिंस नहीं कहा जाता, लेकिन महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असुल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था। स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं। अब कहे ज्ञान सागर शिव बाबा का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है उनका। वह रथ तो बड़ा है। आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। समझ में आता है इनमें आया हुआ है, जो साक्षात्कार कराते हैं। लोगों को साक्षात्कार होता था विष्णु कृष्ण का। नॉलेज दे रहे हैं। ये साक्षात्कार का राज अथवा ये नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए। ब्रह्मा बाबा तो एकदम जैसे बेबी बन गए। नया जन्म लिया ना, अलौकिक जन्म हो गया। कहते हैं ना बाबा, जैसे कई बच्चे भी आकर बाबा से कहते हैं, बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूं। तो मैं भी बच्चा हो गया। ब्रह्मा बाबा कहे मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था। वह ज्ञान की बातें ही और थी। ब्रह्मा बाबा कितना सुंदर और सत्यता से अपना अनुभव बताते हैं। वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं। अभी बाप की बातें समझ में आती है। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है। झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो ये हप कर लेते हैं। बाबा कहे मक्खन तो यह हप कर लेते हैं। विश्व के मालिकपन का मक्खन है। श्री कृष्ण तो सत्युग की प्रालब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस। फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रालब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रालब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकाश और ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होते हैं। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं। बाबा कहे वास्तव में दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो न सके। असुरों की असुरों से लड़ाई चली है, मुसलमानों का राज्य भी देखते हो बरोबर यादव कौरव पांडव भी है। बाबा कहे ये तीनों है। अभी पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले, यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती है। दुश्मनी तो है ना, दुनिया में दुश्मनी तो कितनी है। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, भाई भाई की युद्ध हुई। भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है ये संगम का समय, रक्त की नदियों बाद फिर घी की नदियां बहनी है। पहले रक्त की नदियां बहेगी, फिर घी दूध की नदियां बहनी है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानी की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती है, महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। इतनी बड़ी भूल करती है। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुलटी बातें बतलाते हैं। कुछ तो सुलटी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा बाबा कहे, अच्छा उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो कहां? सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं, इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें भी श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। बाबा कहे वास्तव में उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ बरोबर। बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन था? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे निबंध ऐसे लिखने के लिए देते थे, निबंध लिखने के लिए देते हैं। फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह। कौन सी? पहले नंबर की भूल है यह। तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी है, कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूं, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने। आत्माओं को ही ले जाऊंगा, शरीर को नहीं, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल, महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा निराकार व आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं मां में कम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे। यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा, मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा की बात है। प्रवेशता हुई, फिर उनको समझाया राजाओं का राजा बनाता हूं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं। बाबा ने ये साक्षात्कार कराया कि तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है, बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे ऐसे सवाल बाबा को होते थे। क्या मैं याद करता हूँ इसलिए शिव बाबा आता है? ऐसे कहे मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ। इस तरह से बाबा घड़ी घड़ी याद करते हैं। भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। आए न आए बाप को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे हम समझाएं? पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं? जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सत्युग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे। वह नॉलेजफुल है, और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है, इसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधेरे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा है। जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। आज का स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म में व कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to stay updated with our latest videos.